నా పిల్లలు ఎంత పరిచయాన్ని ఏడుస్తుండ్రేమో నిజం మాట పద్మికి దాకా పెప్పుతారు మెల్లమెల్లగా తిను ఇంకా కొంచెం అన్నం తిను నీకేం భయం ఉంది ఇలా కూర్చుంటే ఏమన్నా భయం అయితే భయం కాదు ఇంత చెప్పాయమ్మా భారం మరి అయితే పిల్లలు మా అమ్మ అక్కడ సత్యం పేసలో ఏమో అని పరిచయం ఉంటుంది ఇవాళ అస్సలు పోనేస్తలేదు చాలా అక్కడక్కడక్కడైనందుకు అస్సలు పోనేస్తాను మార్ ఆద్మీ బాహర్ గయా రిక్షా లేకే కమా కిలా తో ఖానా పడతా తో బైఠనా పడతా ఓకే అబ్ దేఖియే కల్ సే చుల్లా నీ సుల్గా హమారే ఘర్ ఈ తక్లీఫ్ హై ఖానే కీ పీనే కీ ఘర్ కా కిరాయా దేనే కా హై 3 మహీనే కా యహీ పరేషానియా హై బచ్చే భుక్కే ఫిర్ సే మరే అబ్ తమామ్ కర్ఫ్యూ మే ఉధారీ లేకే ఖాయే अब फिर दोबारा दोबारा मांगे तो कौन देंगे बोलो ऐसा हुआ हम लोग चाय खाना खाते चाय पी को वो कमरे में हम लोग बैठे थे बच्चे कितने इधर थे जिसके घर में वो उधर हम देखे थे क्या है उधर से 50-60 आदमी भाग पा रहे तो हमेशा आते थे वो लोग कर्फ्यू हुए तो बस्ती वाले छुपने को आ रहे हैं समझे तो सीधा इधर नहीं आया ना जाकर गड्ढे को बैठे बट तो धाटे गिटे बन गए यहाँ से गए सबको सीधे थे हमारे तनबी कने से आए सबको धाटे बने सब दिखे उन्होंने वो कब वो हमारे तनबी कने आएंगे हमारे खबर नहीं इधर से थोड़े आई उधर से नाले में से थोड़े आई उधर से थोड़े तीन रख से आ गए आकर पूरे घेरा डाल दिए आके क्या करे वो गने डाले को तनबी को मारने लगे वो बच्चा वो मेरा बड़ा बच्चा महिला बच्चा मैं चारों तनबी ऐसा पकड़ लिए जब मैं इसमें इधर से भाग के आऊँ मैं ताकि इधर रूम में क्या तो ये रूम का भी दरवाज़ा उधर से भी खुला था दरवाज़ा ये लोग कहता बंद है वो दरवाज़ा तोड़ के इसके अंदर घुस के इसके अंदर का माल लूट लिया सब जला दिया इसमें से वाचेस ले लिए और फैन लेके चले गए इसके अंदर से टेप रिकॉर्ड लेके गए रेडियो लेके गए वाचेस उठा लेके जो भी लूट लिए लूट लेके जैसा मैं इधर भागा तो मेरे पीछे भाग के आए लोग मैं जो मार के इधर घुस के आ गए उसके बाद इधर से जो घर में देखा मैं अंदर चला गया आकर मेरे को मारेगा पलंग है पलंग के नीचे अंदर छुप गया अंदर पलंग के नीचे छुप कर बैठ गया वहाँ अब उस वक्त में होश पर आ गया आवाज तक नहीं निकला मेरा अब चीखा मुझ पर दबक गया अंदर नीचे दबक के रखा मुझ बैठे रहा जब भाग में एक शुरू करे उस भागते गर्दा करके भागना शुरू करे भाग में निकला हम लोग निकलते आते देखा तो ऐसा भाई अपना मैं ऐसा हुआ अब आखिर में क्या है गणेश टूट कर वो उसका दरवाजा हमारे ऊपर पड़ गया मैं बोली बाहर नहीं बसते अब निकलो यहाँ से भागो बाहर चलो अब नहीं खत्म हो गए बोल को निकले तक बोलो को आने नहीं आया वो तारा है ना वो तारा तोड़ को निकल गए तो ये दो बच्चे क्या करे तीनों भी बाहर निकल गए मैं ये छोटे छोटे बच्चे है अभी थे भेजा दी इसके अंदर आए तक मेरे को देख को भाग पाको पीछे ये खतरे डाले वो गलत फैलेंगे लगते नाले में से भाग गए भागते मेरा बच्चा गया चले गया बच्चा नहीं मिलता बोल को ऐसी बम उठा को मैं बाहर भागे तक वो ला चलनी पड़ी ऐसा बाबा बोल रही नपुम यार तुम ना मेरे को पहचानते ना बोलता पहचानते बोल रहा मैं तू
तेरे का तू तो हट्टा कट्टा है बाग में, तेरे को खत्म करना करके चाकू से भेजे पे तीन मार के आंधे ढकल दिए, चाकू से पेट में मार के पूछा फट गया, पत्थर डाल दिए पत्थर पे आंधे पटक दिए, पटक दिए तो सब फूट गया हमारे बाबा। हम लोग आए थे खून की ऐसी बड़ी नदी है, हम आके देखो तो हमारे लोग सुनिया न करे, हमारे बाबा साहब बेटियों को छोड़ के गए। कहाँ जाना, कौन रखेंगे हमारे को बगैर किराए के रखते हैं, दो दो सौ रुपया होना, सात घर आके कितने कहाँ से लेंगे, कहाँ से करेंगे, गरीब लोग हैं। अगर पैसे वाले रहे तो चले जाते थे, कल परसों भी निकल जाते थे, लाश को छोड़ कर निकल जाते थे, नहीं ऐसा आलम था ना, कहाँ सहारा है अब जाने को हमारे को। अच्छी बात, अच्छे भाया भाया के वैसे ईद हुए तो आपको थैले के थैले पत्ते लेके जाना, जामा हुए तो जवान जवान बच्चे आपको अम्मा बहन बोल को तोड़ को खाना, इल्लल्ला नहीं बोलते थे हमको, हम भाया भाया क्या, हम दो चार मुसलमान दुआ पढ़ा लेते हैं, बिच्छू काटो सांप काटो मारे सुनो सबको दुआ करते थे, बस्ती वाले कितने मोटे पावा ही तो दुआ पढ़ते थे, कम हो जाता हर दुआ आती थी उनको, अब इन्हें दुआ पढ़ा लेते ऐसे कई हल्ले हो गए ना, ये आखिरी हल्ला जबरदस्त हुआ तो हमारे को भी वार आ गया, चौ तरफ हो रहा ना उधर जाने कर्फी है, अब इधर जला देंगे बोलो इधर, ऐसा आलम आ गया हमारे उधर उधर मौका नहीं मिला उनको। अब ये गरीब आदमियाँ हैं, इनको सड़क नहीं है, पुलिस नहीं है, इनको खत्म करेंगे बोलो आए थे। ये शहर हमेशा तो ऐसा नहीं था, केवल पिछले 60 वर्षों में ही हैदराबाद में सांप्रदायिक तनाव उभरा है। 16वीं शताब्दी में कुतुब शाहियों ने इस शहर की बुनियाद रखी, बड़ी हद तक उनके राज्य में लोग मिलजुल कर रहते थे, सरकारी कामकाज में फारसी दक्कनी के साथ साथ तेलुगु का भी चलन था। इस तरह लगभग 300 वर्ष तक शहर में कोई तनाव नहीं था। हैदराबाद राज्य के आसफ जाही बादशाह हमेशा ही अवसरवादी रहे और अंग्रेज साम्राज्य के मददगार, उनका राज्य जागीरदारी की बुनियाद पर ठहरा था, जिसमें बेगार एक आम चीज थी। छठवें निजाम महबूब अली पाशा अपनी जनता में लोकप्रिय थे, जिसकी बहुत बड़ी तादाद हिंदू थी, लेकिन सातवें और आखिरी निजाम मीर उस्मान अली के जमाने में सब चीजें बदलने लगी। हिंदुओं को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी संस्कृति और अधिकारों को खतरा पैदा हो रहा है और 1946 के आते आते हैदराबाद अशांति का क्षेत्र बन गया। उधर आजादी की लड़ाई अपने आखिरी चरण में थी, इधर निजाम ने सब राजनीतिक दलों पर पाबंदी लगा दी, जिससे हैदराबाद पूरे देश की राजनीति से कटा हुआ लगता था। पूरे देश की तरह हैदराबाद में भी आर्य समाज ने धर्म प्रचार, शुद्धि और हिंदू संगठन का काम किया। इससे नाराज होकर निजाम ने इन पे पाबंदी लगा दी, जो एक बड़े सत्याग्रह के बाद उठा ली गई। लगभग इसी समय हैदराबाद के एक जागीरदार बहादुर यार जंग ने ये कहकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन की बुनियाद डाली कि हैदराबाद का हर मुसलमान हाकिम है। उनका नारा था अनल मलिक। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन हर मुसलमान को बादशाह बनाने पे तुली थी और कांग्रेस हैदराबाद को देश की मुख्य धारा में मिलाना चाहती थी। जागीरदाराना निजाम, कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों का किसान आंदोलन, इन सब लड़ाइयों के कारण तनाव बढ़ रहे थे। गुलबर्गा, कल्याणी, उस्मानाबाद, बीदर और वरंगल में दंगे भड़क उठे। हैदराबाद में हालत खराब होने लगी और दारू सलाम धूल पेट में एक बड़ा दंगा फूट पड़ा। इन सब वारदातों से जनता का सरकार पर से विश्वास उठ गया। हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन दो टुकड़े होकर। देशी राज्यों को फैसला करना था कि वे क्या करने वाले हैं। उनके सामने भारत का पाकिस्तान से मिलने की समस्या थी। इस सवाल को लेकर निजाम सरकार भी कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल ने भारत से रिश्ते की बात की, पर मजलिस के दबाव से उन्हें हटा दिया गया। जहां नए प्रधानमंत्री लायक अली भारत सरकार से बातचीत चला रहे थे, वहीं जनता पर पुलिस और रजाकारों का जुल्म इंतहा को पहुंच गया। आखिर बातचीत टूट गई और भारत सरकार ने पुलिस एक्शन का निर्णय लिया। मजलिस और रजाकारों के कई नेता पाकिस्तान भाग गए, जिनमें कासिम रजवी भी थे, मगर उनके जुल्म का बदला मासूम लोगों से लिया गया। Thank you.
डेयरी में साहब तकलीफ हो रहा, डेयरी का गाड़ी इधर आ रही है तीन दिन से, जिस दिन सुबह से जो कर्फ्यू बंद हुआ उस दिन से आज तक डेयरी नहीं आया इधर, ये एरिया में पूरा आया, पुराने पुल पे आया डेयरी, वो भी डेयरी का गाड़ी जो 4 रुपए में देखेगा पैकेट, डेयरी का गाड़ी को 4 रुपए में देखेगा पैकेट, ले गया पूरे 5 रुपए 4 रुपए 6 रुपए नहीं नहीं आ रहे दूध आ रहा मगर ब्लैक कर रहा पूरा, डेयरी का गाड़ी को ब्लैक करके जा रहा है। चावल जो आ रहे हैं जानवर खाने के, जानवर भी नहीं खाते, इससे भी बदतर चावल है और जिसका नमूना आप लोग देख चुके हैं। मूसा नदी के दोनों तरफ फैले हुए इस शहर का एक छोर जिला गोलकुंडा है। गंदगी, गरीबी, बेरोजगारी और सहूलतों की कमी का नाम है पुराना शहर, जो एक जमाने में निजाम सरकार का राज्य केंद्र था और जिसका पतन 1948 के बाद शुरू हुआ। न अच्छे स्कूल और कॉलेज हैं, ना ही अस्पताल। यहाँ रहने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों ही गरीब हैं और रोज मेहनत करके कमाने वाले हैं। उनकी मेहनत का सिला भी इन्हें बहुत कम मिलता है। यहाँ की हालत का अंदाज इस बात से किया जा सकता है कि हर सवेरे हजारों लोग यहाँ से बसों में भर भर कर नए शहर को जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। नए शहर से यहाँ कोई नहीं आता सिवाय चिड़ियाघर और अजायब घर देखने के। नया शहर अब राज्य कार्य का केंद्र बन गया है। शहर की आबादी के 45% लोग पुराने शहर में रहते हैं, लेकिन नगर निगम इस पर केवल 25% खर्च करता है। पुराने शहर में हिंदू और मुसलमानों की तादाद तकरीबन बराबर है। इन मुसलमानों में जहां अधिकतर मुसलमान सुन्नी हैं, वहीं पुराने शहर में बसे हिंदुओं में पिछड़ी जाति के हिंदुओं की अधिकता है। यही पुराना शहर सांप्रदायिक दंगों का मैदान है। 30 मार्च 1978 के दिन पुलिस वालों ने एक गरीब औरत रमीजा बी से विद्यानगर पुलिस स्टेशन में बलात्कार किया। जब उसके पति अहमद हुसैन ने पुलिस वालों से जवाब तलबी की तो उसकी हत्या कर दी गई। पूरे आंध्र प्रदेश में इसके विरुद्ध जन आक्रोश फैल गया और पुलिस फायरिंग में 18 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर हिंदू थे। जन आक्रोश जिस तेजी से फैला उससे सरकार सहम गई। इस आंदोलन को, जिसमें हिंदू और मुसलमान बराबर शरीक थे, दंगे में बदल दिया गया। पहली बार एक जन आंदोलन को सांप्रदायिक दंगा बना दिया गया। Thank you.
1978 से हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका संबंध कुछ हद तक राज्य में चल रही राजनीति से भी है। चाहे वो किसी के मुख्यमंत्री बनने का व्यक्तिगत मामला हो, चाहे संसद या विधानसभा के चुनावों का। जब मुख्यमंत्री नंदमूरी तारक रामाराव इलाज के लिए अमेरिका गए तो उनकी सरकार के गिराए जाने की बात चल रही थी। 22 जुलाई 1984 के दिन एक छोटे जुलूस पे पथराव को लेकर गड़बड़ शुरू हुई, जो 24 जुलाई बड़े जुलूस के दिन बढ़ गए। उसी सप्ताह शुक्रवार की नमाज के बाद बड़े पैमाने पे गड़बड़ हुई। रामाराव सरकार को हटाने की भूमिका बन रही थी। मजलिस और कांग्रेस ने कहा कि सरकार कानून और व्यवस्था कायम नहीं रख सकी। उन्होंने रामाराव सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। 15 अगस्त को रामाराव ने परेड ग्राउंड पे सलामी ली और 16 अगस्त को राज्यपाल रामलाल ने बगैर विधानसभा बुलाए उनकी सरकार को हटाकर नरेंद्रला भास्कर राव को मुख्यमंत्री बना दिया। भास्कर राव पिछली सरकार में मंत्री रह चुके थे। मजलिस और कांग्रेस ने तुरंत नई सरकार के समर्थन का ऐलान किया। रामाराव ने बहुमत सिद्ध करने के लिए एक दिन का समय मांगा था, जबकि राज्यपाल ने भास्कर राव को उसी काम के लिए एक महीने का समय दिया। रामाराव के समर्थन में सारे आंध्र प्रदेश में आंदोलन शुरू हुआ, जिसे और राष्ट्रीय दलों के अलावा भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन मिला। बीजेपी और मजलिस का विपरीत सरकारों को बढ़ावा देने का दाम पुराने शहर को चुकाना था। ए नरेंद्र भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। 1983 से शहर से विधानसभा के सहाय हैं और टाइगर नरेंद्र के नाम से विख्यात हैं। सांप्रदायिक दंगों के संदर्भ में कई बार जेल जा चुके हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं और उसके कारण या बीजेपी है, नरेंद्र है और कोई हिंदू है। हम हर किसी से यही पूछते हैं कि भाई ठीक है, दंगे तो पहले भी होते थे, लेकिन अभी ज्यादा होने का कारण मजलिस इत्यादि मुसलमान बढ़ने का, वो इसलिए भाई माइनॉरिटीज जहाँ मेजॉरिटी में है, पुरानी शहर में माइनॉरिटीज का मेजॉरिटी है और नए शहर में मेजॉरिटी कम्युनिटीज का मतलब मेजॉरिटी रहने के बाद भी वहाँ दंगे नहीं होते, माइनॉरिटीज वहाँ माइनॉरिटीज से। लेकिन यहाँ माइनॉरिटीज मेजॉरिटी जा है और वहीं दंगे होते जा रहे, तो इससे साफ जाहिर हो रहा कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी में जहाँ इकट्ठा होकर रहते हैं और वहाँ उनका राज्य बनाने के लिए लोगों को सताना, मजबूर करना, उनको मारना, पीटना, ये उनका एक नीति चलता हुआ आ रहा ऐसा दिख रहा है। उसमें भी जहाँ मेजॉरिटी है वहाँ ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो लोग जाके एक्सप्लॉइट कर रहे और उनको इंस्टिगेट कर रहे और उनको फील्ड में उतारने की कोशिश करते हुए आज ये अशांति का वातावरण जवाब मिला है। अब पहला एक ही सीट था उनका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, बाद में दो हो गए, बाद में तीन हो गए, आज पांच सीट हो गए। कारण यही है अभी नए शहर में वो लोग नहीं जीत सकते कि पुराने शहर में जीत रहे, तो वही है गरीब मुसलमानों को भटका करके वो कम्युनिटी के नाम पर या इस्लाम के नाम पर और उनके खुदगर्जी को मतलब नज़र में रखते हुए है इन लोगों ने इन गरीबों को और एक्सपायर करते हुए अपना राजनीतिक जीवन गुजार रहे और इसके बिना उनकी लाइफ नहीं है और उनका दूसरा कोई कार्यक्रम भी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमानों का भेदभाव निर्माण करके इन दोनों को हमेशा ये करना। और जो रूलिंग पार्टी होती है मुख्यतः कांग्रेस और उनको जो पैसा मिलता है उनके साथ और ये गठजोड़ करके पैसे के खातिर ये पावर उनके पीछे रहने के लिए उनके साथ देते हैं और ऐसी इसी तरह के झगड़े पंचायतों को वो जारी रखने का उनसे वायदा हो जाता है
अब ये कराते रहते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता हैं और 1962 से विधायक हैं। वो शेर दक्कन के नाम से जाने जाते हैं। सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में कई बार जेल जा चुके हैं। जा रहे होना तो नहीं है, लेकिन इल्जाम होता है कि साहब हम फिरका परस्ती की बात है। अब आप देखिए ना, हमारा हक जो छीनते हैं उनको आप कौम परस्त बोलते हैं, और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हम तो फिरका परस्त बोलते हैं। हालांकि जो हक छीना है उसको फिरका परस्त कहना चाहिए। तो ये ऐसा है ना, इसका रिश्ता ऐसा है कि MIM जो थी पहले, वो रिश्ता है भी और नहीं भी, उसका तसलसल बाकी है। जैसे कि आप देखिए हैदराबाद, खदीम हैदराबाद बोलते हैं, उसकी तहजीब होनी चाहिए। तो हैदराबाद ख़त्म तो नहीं हुआ, हैदराबाद तो है। इसी तरीके से वो जो पार्टी रही, वो जो है निज़ाम गवर्नमेंट की हिफाजत के लिए थी, और ये जो है इसका 57 में इसका 58 में कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील हो गया इसका, और ये आया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो माइनॉरिटी को हक है उसके लिए हम काम करेंगे। ये जैसा कि पहले कांग्रेस भी थी, उसका भी नजबुल ऐन अगर पहले देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वो था तहफ़ का था। ये फसादात माशी हैं, क्योंकि अगर फसादात हमारी पार्टी की वजह से होते तो फिर 57 से लेके 79 तक क्यों नहीं हुए। इसकी वजह यह है कि वो बिजनेस कम्युनिटी जो नहीं चाहती कि माइनॉरिटीज बिजनेस में आए, क्योंकि पासपोर्ट के लिए दिक्कत थी। इमरजेंसी के बाद जनता गवर्नमेंट जब कायम हुई तो पासपोर्ट के लिए बहुत सहूलत हो गई, तो यहाँ से लोग जो बाहर गए, कुछ बाहर से कुछ पैसा लेकर यहाँ बिजनेस वगैरह भी उन्होंने स्टार्ट किया। तो एक मखसूस कम्युनिटी ये नहीं चाहती कि मुसलमान बिजनेस के अंदर आए, इस वजह से फसाद करा के उनके बिजनेस को ख़त्म किया जाता है। जमात इस्लामी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी ये कहना चाहता हूँ कि इन फसादात को हम बहुत बुरी नज़र से देखते हैं, इसलिए कि ये फसादात मौजूदा हालात में ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के लिए भी और मुल्क के मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लिए भी बहुत नुकसानदेह हैं। ना इससे अमन बाकी रह सकता है, ना हम कोई भी अच्छा तामीरी या कंस्ट्रक्टिव वर्क को अंजाम दे सकते हैं, बल्कि आपस में नफरत और अदावत एक दूसरे भाई बंदों के खिलाफ पैदा हो रही है। एक रब को मानने वाले से ये नहीं कहा गया कि जाके तू किसी बुतपरस्त से लड़, और किसी बुतपरस्त के मजहब में मैंने ये नहीं देखा कि जाके मुसलमान को तो स्लॉटर हाउस में तब्दील कर दे, मैंने तो कहीं नहीं देखा। मुझे ज्यादातर इसमें जो है पोलिटिकल मोटिव और तंग नजर नैरो माइंडेड जो है अपना जहन और अपनी अपनी तहसीब को मुसद्दत करने का जो शौक है उसमें अग्रेशन की कैफियत पैदा हो गई है, और इसी वजह से दरअसल ये खराबी पैदा। नेशनल प्रेस को भी जो रोल अदा करना चाहिए था, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और अपने तमाम ऊंच नीच के जो मामले हैं इन सब में एक मोहब्बत और प्रेम की फिजा पैदा करने में जो रोल हमारे प्रेस को, हमारे गवर्नमेंट को, हमारे रिफॉर्मर्स को, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, हमारे रिलीजियस लीडर्स को भी जो पार्ट अदा करना चाहिए था, बदकिस्मती से वो काम नहीं हुआ। और इस अरसे में फिरका परस्त ग्रुप्स ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेकर एक्सप्लॉयटेशन का आगाज कर दिया। हक ये है कि कांग्रेस जैसे इदारे के अंदर भी फिरका परस्त लोग घुस चुके हैं, कि पहले तो कुछ जुलूस जलसे अपने अपने एरिया में हो जाते थे, यानी अभी कुछ मुहर्रम का जुलूस ये लोग निकाल लेते थे। हालांकि इस्लामी नुक्ते से मेरे नजदीक मुहर्रम का जुलूस भी रॉन्ग है, मैं इसको पसंद नहीं करता। एक अल्लाह कह देने के बाद अब कोई चीज सामने इंसान के कोई शक्ल में आना नहीं चाहिए, मैं उसका फायल हूँ और इस्लाम इसी बात की तालीम देता। ताहम अगर वो लोग निकाल लेते तो पुराने जमाने कदीम से खामोशी से निकाल लेते थे, खत्म होता था। बात को चल के वाकया ये है कि बाद हमारी अपनी मुस्लिम जमातों ने इस मामले में जो रोल अदा किया है उसने वाकया आपके ख्याल के मुताबिक हिंदू फिरका परस्तों को भी उसने मैदान में खींच लाया। अगरचे के हिंदू फिरका परस्त अपना कुछ थे जरूर, उन्हें पार्टीशन से पहले थे, और उसके बाद भी कुछ पार्टीशन की वजह से भी बहुत सी चीजें ऐसी पैदा हो गई हैं, ये सही है, लेकिन ये फिजा को जल्द खत्म हो जाना चाहिए था। मगर बाज़
हिंदुओं पर जमा हिंदुओं में भी और बाद इक्के दुक्के हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बाद ऐसे तंग नजर मुस्लिम जमातों ने भी दरअसल गोया बाद जलसों का मुजाहरा अपने स्ट्रंग का मुजाहरा और अपने बिला वजह के जो मजहब में मौजूद नहीं है चीज का इजहार का मुजाहरा करने से उसमें बहुत से हिंदुओं के अंदर भी फिरका परस्ती के जज्बात बहुत उभर गए। रस्मी तौर पे पहले कुछ लोग पंखा लेकर नामपल्ली दरगाह जाते थे, लेकिन 1981 से इस रस्म को एक बड़े जुलूस की शक्ल में बदल दिया गया है। देखें कि कल सुबह में कोई इख्तदार की सलामी लेता है तो दूसरे दिन पुलिस के हाथों वही गिरफ्तार होता है। तो ये वो इख्तदार, ये मेरे भाई, ये हंसने का और ताली बजाने का नहीं है, बल्कि आज हजारों चिराग जल रहे हैं और ये तमाम हमारे सामने इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिन्होंने अल्लाह की चौखट पर अपनी गर्दन को झुकाया, अल्लाह ने सारी दुनिया की गर्दनों को उनके आगे झुका दिया। जुलूस में से कुछ लोगों ने सिदियंबर बाजार से नामपल्ली के बीच की दुकानों पर हमला कर दिया। 6 लोगों को छुरा घूम दिया गया, फिर एक बार कर्फ्यू लग गया। हैदराबाद में कदीम था जुलूस, एक दशहरे का होता था और इस तरीके से मुहर्रम का 400 बरस से निकल रहा है, लेकिन ये अब जो निकल रहे हैं आप उसको वो नहीं रख सकते। और पंखा जुलूस पे हम हमारी पार्टी नहीं निकलती है, अब जो जुलूस निकाले जा रहे हैं ये मैं समझता हूँ कि मजहबी जुलूस नहीं है, क्योंकि अगर होते तो पहले से निकालना चाहिए, अब क्यों निकाले जा रहे हैं? तो ये मजहब से हटकर ये सिर्फ अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने के लिए, और वो तो हादसा हो चुका जिसका हमेशा हम अंदेशा जाहिर करते थे। देखिए, गणेश उत्सव तो हम लोगों ने 1980 में शुरू किया था यही समझ करके कि भाई हम सब लोग एकत्रित हो, जिसके कारण एक दूसरे का हिम्मत बढ़े और जिसके कारण एक दूसरे को विश्वास आने के बाद वो अपने पैरों के ऊपर अपन ठहर सके एक भरोसे से, और यूनिटी आना ये जरूरी इसको समझा गया और उसको नामकरण किया गया उनकी गणेश उत्सव समिति, भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति, और जिसके लिए 6 महीने बहुत प्रयास करके इन सब लोगों को जो शहर में गणेशों को बिठाते हैं उन सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए
कई कई जगहों पर कई शहरों में मीटिंग्स हुए और जिसमें लोग कन्वीन्स हुए तो 1980 में पहली बार शुरू किया। गणेश जुलूस लगभग 80 वर्षों से निकाला जाता है। ये अलग अलग बस्तियों से अलग अलग दिन निकाला जाता था। ये जुलूस पुराने शहर की रौनक हुआ करती थी और इस सांस्कृतिक उत्सव की धूमधाम 8-10 दिन तक चला करती थी। राजनीति से उसका कोई वास्ता नहीं था। इस वर्तमान रूप में जुलूस 1980 से निकाला जाता है। हमने देखा दूसरा साल में कई बार रावण पैदा करने की कोशिश किए, तीसरे साल में भी वैसे किए, अब चौथा साल तक तो एक लोगों को एक मतलब दृढ़ निश्चय हो गया था कि भाई इस बार नहीं निकालने देना। गत वर्ष भी निकालने के लिए कई मतलब लोगों ने अड़चने पैदा किए और उस वक्त कई स्टैबिंग्स होते जा रहे थे। लास्ट टाइम भी उत्सव मना रहे हम लोग, हर रोज एक दो लोग मरते जा रहे, फिर भी गणेश उत्सव लोग बनाते जा रहे थे और ऐसे एक टेंशन के वातावरण में ही वो जुलूस को निकाला गया। सितंबर 1984 का गणेश जुलूस भी तनावपूर्ण वातावरण में निकाला गया। 11 सितंबर 1984 को विधानसभा में शक्ति परीक्षण की तैयारी तो चल रही थी, मगर इस बात का कोई यकीन नहीं था कि यह हो भी सकेगा या नहीं। एनटी रामाराव ने आंदोलन तेज करने के लिए हैदराबाद चलो का नारा दिया। Thank you.
Thank you.
14 सितंबर के गणेश जुलूस में दंगे आखिरकार नए शहर भी पहुंच गए। बड़े पैमाने पर संपत्ति नष्ट हुई और 16 लोगों को छुरा घोंपा गया। पहली मर्तबा पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। After 34 years, I am living here from 34 years, and I am seeing this incident first time. कि गणेश प्रोसेशन जब यहाँ से गया 32 जो वो टाइम में हमारा होटल का एक पार्टनर इधर इधर खड़ा हुआ था उसका सर के ऊपर जख्म आया साथ क्या क्या था। जब फिर हम लोग मतलब जब शाम में आए 4:30 को मालूम पड़ा आए, फिर यहाँ पे फायर ब्रिगेड सिर्फ एक ही है और 10 दुकान पूरे बंद हुए सो है। और फायर ब्रिगेड को मतलब आने के बाद मतलब जब फायर ब्रिगेड करने के बाद बोला चाय पानी के पैसे दो, 40 रुपीज हम उनको दिए। तीस चालीस के करीब मोटे मोटे थे पूरे लोग आते पानी का इंतजाम कर दो, पानी भी लुड़का दिए पुलिस कोई नहीं सर, पुलिस यहाँ आई आई भी नहीं सर, पुलिस आई भी तो चोरी डरने लगी है बाकी क्या हम लोग। अगर पुलिस होती तो क्या सब यहाँ से वहाँ तक सब जलते रहता था, कितना होता था सामने इधर जलता था क्या, अगर एक आदमी गोली चलती पुलिस रहती थी पुलिस सब क्या होता था, नहीं होता था ना। वो लोग भी मजबूर थे क्योंकि उनको कुछ फायर का भी ऑर्डर नहीं था, वो लोग भी मजबूर थे। जब तो आया था छोटे छोटे डंडे के साथ चले गए ना सब भाग के। One stab injury, two or three stabs. Then after half an hour, he dead. After 3 hours, the ambulance came in. क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर हमसे बोला हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हमको मारने को आ रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सक रहे। उनको ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है फायर करने का। पुलिस तो यहाँ फायर की थे, देख रहे थे तमाचा, पुलिस की भाग रही थी, कुछ उधर जा रहे थे। डायल टू पुलिस है ना, हाई डायल टू कर रहे हैं आल्सो, पुलिस चुपके देख के जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे पुलिस। आफ्टर 3:30 भगा रहे सब जने को, 2 बजे को सब जने ऐसा कर रहे थे, कुछ पुलिस नहीं बात कर। सितंबर 1984 को विधानसभा की बैठक हुई जिसमें राज्यपाल ने कांग्रेस के विधायक बागा रेड्डी को चुना, मगर 3 दिन की टाल मटोल के बाद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। राज्यपाल के मजलिस के सलाउद्दीन ओवैसी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। नए अध्यक्ष की राय थी कि शक्ति परीक्षण एजेंडा में केवल 3rd स्थान पर रहे। सिकंदराबाद जाके जैसे कारोबार नहीं चल रहा बल्कि जब सिकंदराबाद गया मैं जाके गोल्डन ड्राइंग के लिए बोल के वहाँ पे बड़ा अफवाह है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की ड्यूटी पकड़ लिया मैं, तो जो 450 मंथली मिलता हूँ तो ऐसे ही मैं 20 दिन ड्यूटी किया कर्फ्यू यहाँ पे लग गया तो मैं वहाँ पे 5-6 दिन ट्रेड नहीं किया। ट्रेड नहीं करने की सूरत में उन्होंने क्या बोले तुमने आ सकते वो तुम्हारा ओल्ड सिटी हमेशा कर्फ्यू पे रहता, बोले तुम कर्फ्यू मैं तुमको निकाल देता हूँ। मुसीबत तो बहुत कुछ हो रही है उसको खाने की पीने की हर चीज़ की मुसीबत ही है। 15-20 सालों से बहुत ही तकलीफ है इस कर्फ्यू से। तो अभी की बात है कर्फ्यू खुली थी 2 घंटे के लिए, फिर एकदम कुछ गड़बड़ हो गया, फिर बंद हो गया बाजार पूरा, खाने पीने की फिर मजबूरी हो रही है। वहाँ पर जो 9 मेम्बर है मैं कह रहा कमाने वाला हूँ, 15 दिन से जो है बिल्कुल कारोबार बिल्कुल जाम हो गया, क्योंकि जेल खाने से ज़्यादा तकलीफ दे बात है, घरों में जो बैठ रहे हैं जेल खाने से ज़्यादा तकलीफ है यहाँ पे। क्योंकि कारोबार वाला इंसान बाहर गया तो 4 पैसे कमा के लेंगे तो छोटे बच्चों को खिलाएंगे करेंगे, अब यहाँ तो बाहर जाने को फुर्सत नहीं है
तो बच्चों को क्या खिलेगा क्या पिलेगा? जैसे भी हमने सब पहले तो यहाँ भरा यहाँ पर मुस्लिम को दावा दिपो थी कहते हैं यहाँ भगवंत जो झगड़े वगैरह थे उससे तमाम लोग जो यहाँ पे जो थे जब चले गए मकाना में चले गए कुछ खाली कर दिए कर दिए। अब थोड़े घर डरते होते ही है ना डरते वैसा होता है डरते होते ही बराबर। अब बड़ी मुश्किल से यहाँ होते हैं 10-15 मकान है अब जिसमें से बड़ी मुश्किल से एक नौजवान यानी कि बच्चे उसमें से 10-15 बच्चे मिलेंगे और बाकी जैसे बूढ़े लोग हैं और कारोबार वाले हम हैं और जो भी सुबह हम सुबह उठते हैं 9 बजे उठ के जब दुकान जाते हैं तो शाम में 10-11 बजे आ जाते हैं। कोई लड़ाई झगड़े तो हम तो आज तक करें नहीं किसी से और आज तक हुआ नहीं और साझा रहे हैं अलबत्त दिल में झिझक इसलिए है कि आजू बाजू सब तरफ पड़ दिया है यानी कि पड़ दिवाड़ा है इधर गोलियाँ के हैं इधर सब हिंदू बस्ती ज़्यादा रहने की वजह से हम बोलते हम बिल्कुल 4-5 मकान है अगर वो लोग अगर चाहे के अगर लूटे हमारे पास तो कुछ है नहीं हम तो तनाव तकदीर अकेले है बिल्कुल बस खुदा है हमारे को बचाने वाला और क्या भी नहीं कि यहाँ पे हम इतनी मजबूरी से जो जिंदगी कटा रहे हैं वो हमारे दिल को मालूम है क्योंकि बहुत परेशान है हम लोग यहाँ यहाँ से अगर बाहर परसों में सडनली कर्फ्यू उठ गया बोल के बोले मैं खाली दुकान जाके किसी के पास 10-15 रुपये ले लेके आके मैं जिंदगी कर लूँगा बोल के मैं गया मैं जाते जाते सडनली 4 पुलिस वाले पकड़ के मेरे को मार दिए। नहीं हम तो सुन रहे हैं कि भाई कोई सियासी बातें हैं आमतौर पर तो कोई नहीं हो रही हमारे पे सुन रहे हैं मगर वो हकीकत क्या है हम समझ नहीं सके ना समझने का मौका मिला हमारे को समझ हर चौथ अपनी परेशानी उठते रहे परेशानी में अभी कौन समझते रहेंगे कि भाई कैसा हो रहे हैं क्या हो रहे हैं किधर से हो रहे हैं सोच ही नहीं सकते हैबत तो बराबर होती है अभी की बात है कि अभी हैबत ही छुई हैबत से निकल के जाए कि पसीना तक नहीं पहुँचेगा आज सुनकर हैबत तो है बराबर हमको जाने का तो हमारा ख्याल नहीं हम कहेंगे बोलो पता नहीं जाना वाली कौन सा है हमारे को जो है खाने पीने वास्ते झगड़े हो रहे हैं ये हो रहे हैं कारोबार बंद हो रहे हैं ऐसा नहीं होना वो तो नहीं सकते ना कि अब क्या होने वाला है कल क्या होने वाला है मगर कुछ ऐसा हादसा तो पेश नहीं आया हमारे सामने अब तक जब से हम यहाँ पर है इसके आगे नहीं बढ़ सकता दिन 12 तारीख को 3:45 पर झगड़ा एकदम पूरी ये बस्ती का पूरा जितना एरिया है वहीं पर हुआ। पुलिस स्टेशन के बाजू शुरुआत झगड़े की है कि पुलिस स्टेशन के बाजू एक को गाड़ी पे जा रहा था हिंदू का उसको मार के जला दिया वहां से झगड़ा पूरा खत्म हुआ। उस दिन क्या हुआ मैं असेंबली बंदोबस्त ड्यूटी कर रहा असेंबली बंदोबस्त ड्यूटी खत्म हुए बाद मैं इधर आया कहाँ पर अपने घर की तरफ आ रहा था मैं घर की तरफ आया तो जो मॉब जो है पूरा घर तक आया हमें तो आगे देखा आपको क्या वहाँ पर गली के अंदर जो सो वहाँ पर 200 के करीब जो सो जमा हुए उनके हाथों में राड और स्टील वो कुराड़ियाँ वगैरह बच्चे वगैरह थे वो तो करा मैं डर के घर में हमारी पत्नी अकेली थी तो देख के क्या करा मैं जाके कंसर्न पुलिस स्टेशन को इतला दूंगा बोल के मैं गया। पहले पहले आते आते इतने बड़े बड़े खतरा फेंकले थे आए तक हम दरवाजे लगा लिए तक धनाधन दरवाजे फोड़ दिए फोड़ दे के अंदर घुसना शुरू करे घुसते तो फोड़ने लगे फोटवा फोड़े और जो मिला सामान वो भी लेकर गए गले में चाकू बता के तो तोड़ के लेकर चलने लगे।
जैसा मैं पलट के आया तो वो लोग क्या करे मालूम है, वो सपनों से उसे दरवाजे तोड़म फोड़ कर रहे थे। तुम्हारी पत्नी को क्या करे, चाकू बता के जो उसको गले की जो उसको गुंडू जो है उससे वो तोड़ ली, और वो बाकी का जो सामान वगैरह जो भी है, स्टील के फोल्डिंग चेयर, एक किराए की साइकिल टैक्सी थी सब्जी मंडी की, वो पूरा ले लेके करके क्या करे सामान जो गली में निकल के भाग गए। उसमें से चैन आदमियों को पहचानता फोन से, वो चैन आदमियों के नाम जो सो मैं साहब से बोला, और चंद लोगों को जो सो मैं सिर्फ सीआरपी के साथ रह के थोड़े लोगों को अरेस्ट कराया। यहाँ पर रेडियो था, फैन था, हमारे चप्पल ग्लेंडर करते वो मशीन था, कुर्सियाँ थे, सब लेके गया घड़े का घड़ा था, फैन, कुर्सी। चार महीने हुआ शादी होते, पूरा सामान यही था, चांदी की जंजीर थी, काम की ना टंग देते थे छोटे थे, वो ख्याल नहीं करे। बड़े बच्चों सब लूटने का बच्चे तक आते बड़ों के सामने आते। हम सरकार साहब को बोले कि ऐसा ऐसा ये लोगों को पकड़ा गया तो मुझे नहीं मालूम कौन छोड़े, मेरे को ये बात नहीं मालूम उन्होंने, आप फिर से नामा दो, मैं उनको पकड़ता। आज जाके तीन रोज हो रहे फिर भी नहीं पकड़े गए। तो अब ऐसा है मेरे को यहाँ पे चंद लोग क्या कर रहे, वार्निंग दे रहे, तुम जो सो पुलिस स्टेशन से आके यहाँ पर कैसा रहते, इस बस्ती में तुम कैसा जमते, और तुम नौकरी क्यों गए, कैसा कर सकते, और आपके एक एक बूटी के टुकड़े जो सो मैं जो सो निकाल के फेंक दूंगा। तो मेरे को छोटे छोटे बच्चे हैं, मोहम्मद की दूर से जो सो यहाँ तक आ नहीं सकता। मेजॉरिटी मुसलमानों की होते हैं यहाँ पर, एक 15-10 घर है बस वही लोग, और यहाँ पर बिल्कुल मामूली लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हर घर में चार चार पांच पांच बच्चे, वो छोटे चार आदमी हैं जिसके घर में बड़ा है, उनके घरों ने हमारे घरों ने दरवाजे में सब ऐसे सो जा रहे, दर दर घर जा रहे, ऐसा डर को है बस को है बताओ, अगर ऐसा ऐसा है बस बहुत होगा ऐसा चाकू बताना, लूट के ले जाना, रात में बैठना नींद जा रहे, बच्चे भी वही है बात है बात है बात है बात हो रहा। मास्टर हमीदा भी क्या कैसे होता, जब भी झगड़ा हुआ तो इधर ये पीछे के जो मर गया सारा पेट्रोल डाल दिए थे, पेट्रोल डाल के जलाने की कोशिश करे, इधर पूरा जला दिए थे, पूरा जला देने के बाद इधर कोशिश करने के करे तो पुलिस पुलिस आ गई, भाग गए वो लोग, बोल के भागते आना पड़ा, बच्चे कच्चे लेके जिधर भाग पड़ रहे भाग रहे, कच्चे छोटे छोटे हमारे बच्चों को छोड़ जाएंगे, बोलते घर में हम आके बैठे रोते कहता है कि खा रहे हैं कहता है सो जा रहे हैं, रात में भी नहीं जा रहे दिन को भी नहीं जा रहे, घर में रहता तो हमारा बच्चों का उल्लास हो जाता था। आज पेंशन दिन से आ रहा था और हमारा आदमी खतरे से केवल हमारा आदमी के ऊपर हमला करने को देख रहे, पूरा पीछे से हमारा टुटाला ही इधर आ गया, एक लात मारे तो टूट जाता, तुम पीछे फतरे ला के जरा दरवाजे कोई बातचीत से रखे तो बोले कि खतरे से चो, और बोले कि ज्यादा कम करेंगे तो आप घर जलाएंगे बोले। अच्छा पहले शुरू जो जलाने को गए तो मोटर आ गई उसी वक्त, तो पेट्रोला डाल ही हमारे घर जलाने नहीं जलाने पाए, हम लोग हमाम खाना पैखाना दो जने की गर्स में बच गए, एक इनके उनके हमारे क्या मालूम कौन कौन लड़े क्या है कि हम गरीब आज क्या करेंगे, हमारे से क्या ये करने का, गरीबों का ही घर जलाने को लूटने को देखे मर गए, 13 साल हो गए, 12 साल 13 साल हो गए मर के, छोटे छोटे बच्चे पाल रहे हैं, कितना मेहनत मजदूरी करके ये लोग हमारे को मुसलमानों ने जीन दे रहे, परेशानी हमारे को कर रहे हैं, कैसा देंगे साफ हम, किधर भागेंगे किधर बेवा और था क्या पकड़ेंगे साहब, हमारे को सपोर्ट ही किसी का नहीं, हम जिसको पकड़ के नाके में दे दिए उन लोगों को छोड़ दे रहे, जिसको रेड हैंड पकड़े जिसके साथ पास से कुर्सी बरामद हुई उसको पकड़े तो भी उसको छोड़ दिए। जब 2 घंटे का कर्फ्यू छुटा था उस टाइम हमने ये कहा कि घर में जाने नहीं थे खाने के वास्ते, हमने कहा कि कुछ घरों में से पैसे आ जाएंगे थोड़ा धंधा कर लेंगे, तो इस वास्ते हमने गए थे। मैं सुबह 8 बजे निकली थी नहीं तो 8 बजे से इतने घर 4-5 घर बच्चा कर रहा था, 5 घर में खड़ी थी तो उसमें दोनों माँ बेटा अलग अलग फट गए, फटने के बाद में मैं 2 घरों में बूझ के आई, देखो हमारा बच्चा उधर बोल नहीं मेहतरानी अम्मा आके गए तेरा बेटा इधर, और उधर से जो नू लिकड़ी नहीं आ गए को 2 घर और आ गए थे, उन्होंने मेरे को हिम्मत नहीं पड़ी बूझने, नू नया हुई अब तू बूझ ले इन घरों में, सीधी गली निकल के चली गई मैं। अब बच्चे इनसे बोली अब भाई सुरेंद्र आया इधर अम्मा नहीं आया, इनके बाबा से बूझी अभी बोले कि नहीं आया, 1-2 बजे का खाना रोटी बनाए सुरंदर अब कहीं भी नहीं आया,
फिर एक ढाई बजे पता लगा। यहाँ पे हमारे घर मारे यहाँ से आतंक पाल दिए। अब ये दारे के तरफ है, दारे के तरफ खतरा है, हमारे इधर भवानी नगर है, इधर भी खतरा है हमारे को। आज कम से कम हमको हमारे बड़े जैसे 50 साल से काम कर रहे इधर, जब से कुछ नहीं है यही महीने दो महीने के अंदर से ऐसा गड़बड़ चला रहे हमारे साथ भी। इससे पहले भी 10 महीने की सर्फी में एक आदमी को ऐसे हमारे आदमी को चाकू मारने में बच गया, खाली शर्ट फटा उसका। अब ये इसमें तो हमारे बच्चे को खत्म कर दिए। अब घरों में कैसे जाएंगे साहब धंधा करने वाले? घरों किसी को प्राइवेट धंधा है, किसी को सरकारी ड्यूटी है, सरकारी ड्यूटी वाले घर में बैठे प्राइवेट खाएंगे क्या? जैसे ही 3 या 4 का वक्त हुआ खुल गया। जब खुल गया तो लड़का तेल लेने गया। जब सब खुल गया तो मैंने भी दुकान खोल दी। जब दुकान खोली तो क्या हुआ, लड़का तेल लेके आ रहा था, उन्होंने उसे मारा यहीं पे। वो आए इधर से उधर से दोनों तरफ से, दो गैंग आए, मुझे और मेरे आदमी को मारा। मैं दुकान में काम कर रही थी, उन्होंने मुझे धक्के दिए और फिर मारने लगे। उन्होंने पत्थर फेंके, ईंटें फेंकी सब दुकान पे। मेरे आदमी को चोटें आई, ये सब डर गए पूरे, सब अंदर ही थे। मैं बेहोश हो गई। हमें पता नहीं वे उन्हें कहाँ ले गए, अस्पताल या कहीं और। सारी रात हम रोते रहे, उनकी राह देखते रहे, रो रो के हम सब बेहाल हो गए। 7 बजे मोटर लेके पुलिस आई बुधवार को। उन्होंने कहा जिस जिस को चोटें आई हैं वो सब अस्पताल चलो। हम चले कहाँ, अस्पताल को, उस्मानिया। जब उस्मानिया पहुंचे तो कहा बुढ़ा मर गया पर नरसिमड़ू है। बुढ़ा गया तो गया, कम से कम नरसिमड़ू तो है। तुम्हारा बेटा ठीक है, ठीक है, कहा उन्होंने। उन्होंने उसे तलवार से मारा था, मेरे बेटे को तलवार से मारा। लड़के ने कहा पुलिस टाउन चलो, शायद वो बेटे से पहले ही मर गए। कान के बुंदे और हाथ के कड़े खींच लिए, वहीं बाहर ही। ये 2-3 बाहर थे और हम सब अंदर। मैं तब दुकान में थी, मैं वहां ठहरती तो मुझे भी हिला कर डालते। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, मेरा बेटा और मेरी बहू भी नहीं, हमारे किराएदार भी नहीं आए, आदमी औरत कोई भी नहीं आया। सब अपनी जान को डरते थे। तब मैंने एक आदमी इसके साथ भेजा, मैं देख नहीं सकती, मैंने सब जगह देखा। उन्होंने हमें लाशें दिखाई, मुझे कहीं नहीं मिली। फिर पड़ोसी ने कहा चलो देखते हैं और उसने पहचान लिया। मैं बोली तू जा ये लप्पा, ये उसे पहचान नहीं सकती। उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, प्लास्टर चढ़ाया, गोली नहीं दी। मेरे पेट में हौल उठता था, सो ये लप्पा इसे वहां पे ले गया और बोला ये रहा नरसिम्हा, ये देख उसी का मुंह है। एक बात तो है कि राजनीतिक पार्टी के नाते हम लोग जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं या डिपार्टमेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ के हालत को अवगाहन करते जा रहे हैं। क्या हम बताते भी जा रहे हैं कि भाई ये लोग आ रहे हैं, यहाँ 100 एकड़ जो ज़मीन खाली पड़ा हुआ है उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन भी कोई किसी की मतलब परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वैसा उन लोगों ने बांध रहे, जिसके वजह से इम्बैलेंस होते जा रहा है यहाँ।
वास्तव था यहाँ हिंदुओं को ही खतरा है पुराने शहर में, जिसके कई उदाहरण हैं कि हिंदू पुराने शहर से खाली करके निराश के वैसा और बाहर जा करके जी रहा है और गरा बेच करके एक दो चार लाख रुपए का घर भी है तो वो 20-25 हज़ार में बेच दे रहे क्योंकि मजबूरी के कारण और वहाँ नहीं रह सकते और वो हालत पैदा करके वो खरीद रहे और ये लोग बाहर चले जा रहे हैं। इस तरह से अगर हुआ तो शहर में ये अशांति कभी भी मिटेगा नहीं और इसको दूर करने के लिए कोई भी सरकार नहीं सोच रही है। मतलब अब कोई भी नेता आकर के कहता है कि हम पुराने शहर के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये सब जब का तात्कालिक रूप में जब कम्युनल राइट्स होते हैं और उस वक्त वो बयान दे देते उसके बाद तो कोई कुछ इसके बारे में कर नहीं सकते, अब कर रहे नहीं। मैं समझता हूँ कि करने की योजना भी बनाने का किसी को मतलब दिमाग में नहीं आएगा। यार पुलिस का रोल तो बहुत खराब है क्योंकि पुलिस जो है इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस आज तक कोई किसी को असल जो कौन है खुलासा नहीं किया जाता और हम इस फसाद से पहले भी हमने उनको कहा था कि हमको ये इत्तला भी नहीं है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, वो नहीं हुआ और खुद आप पेपर में आया कि पुलिस कमिश्नर ऑर्डर देते हैं कि फायर किया जाए, फायर नहीं करते। दूसरा इसमें ये एक चीज़ आती है कि ऐसे तमाम कोर्स की किताबें और ऐसे स्पीचेस जो खामखा के झगड़ा खड़ा करते हैं और लोगों में एक शकूक पैदा करते हैं उसको ख़त्म करना चाहिए और ये कि कोई हिंदुओं का जुलूस जा रहा है उसको मुसलमान ने पत्थर मारा तो ये कॉमन सेंस अपील नहीं कर सकता है क्योंकि आपके घर के सामने अगर मानिए कि 10 लाख आदमी का जुलूस जा रहा है तो आप क्या पत्थर मार सकते हैं उसके ऊपर। और ये जो RSS के ऊपर बैन लगाना चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि RSS खाए के लिए, अगर मुल्क की हिफाजत की बात है तो आज पाकिस्तान से चीन से अगर जंग होती है तो लट ले चीन नहीं लड़ेंगे, चाकू लेकर तो नहीं लड़ेंगे, ये तो टैंक से जेट तैयारों से लड़ेंगे। तो फिर आखिर ये चाकू और लट ये करके लिए विश्वास का मत प्राप्त करने का प्रस्ताव रखेंगे। ये
विधानसभा की बैठक आज सवेरे हुई लेकिन बिना कोई कार्रवाई के वो शोर शराबे के बीच स्थगित कर दी गई। आज की कार्रवाई मुश्किल से 5 मिनट तक चली। आज सवेरे जब सदन की बैठक हुई तो अस्थायी अध्यक्ष ने एक शोक प्रस्ताव को पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन श्री एन टी रामाराव ग्रुप के एक सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मजलिस ग्रुप के नेता चाहते थे कि हैदराबाद में गड़बड़ी की स्थिति पर पहले विचार किया जाए। अध्यक्ष ने बार बार सदस्यों से शांत रहने की अपील की, लेकिन जब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो दोनों ओर के सदस्य जोर जोर से चिल्लाते रहे। अध्यक्ष ने सदन में अव्यवस्था थी और एक ओर से कुछ धुआं उठता दिखाई दिया, इसे फौरन ही बुझा दिया गया। इससे पहले विपक्षी नेताओं ने एन टी रामाराव ग्रुप के विधायकों को उनके अधिवेशन में जाने से पहले संबोधित किया। जिन नेताओं ने भाषण दिया उनमें जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वाजपेयी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री वासु पुनैया शामिल हैं। सत्तारूढ़ तेलुगु देशम विधायक दल ने अपनी बैठक में राज्यपाल और अध्यक्ष से अपील की है कि वे रामकृष्ण सिने स्टूडियो से विधायकों की कथित रिहाई के लिए उपाय करें। इस बीच श्री एन टी रामा के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी ने विधानसभा में अपने सदस्यों के लिए अलग स्थान रखने का अनुरोध दोहराया है। हैदराबाद में कानून और व्यवस्था की स्थिति की आज शाम अधिकारियों ने समीक्षा की। पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है। कर्फ्यू में आज शाम 3 घंटे के लिए ढील दी गई, लेकिन 2 गुटों में झगड़े के कारण 1 घंटे बाद ही 18 पुलिस थाना क्षेत्रों में फिर कर्फ्यू लगा दिया गया। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है इसको खत्म होगा। फिर 3 पुलिस कॉन्स्टेबल थे जो फायर नहीं किए, क्योंकि पुलिस कॉन्स्टेबल को भी वो लोग मारे तो गली गले अलग हो गए, तो लोग उसने मारा। उसके बाद ये काम कर दिया पूरा फोर्स साइड से था एकदम, एक तरफ से नहीं था, ये सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक नहीं बल्कि चारों तरफ से इसका हमला किया था। चार रास्ते चारों तरफ से हमला किया। एक चार मिला जो पुलिस कॉन्स्टेबल था उसको पुलिस कॉन्स्टेबल ला रहे रात में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कॉन्स्टेबल है बोलता वो सिविल ड्रेस में था वो, लेकिन सुबह में हम लोग सामान उठा रहे थे तो उसका आइडेंटिटी कार्ड मिला है। अरे क्या है साहब, हुकूमत लगी मगर कुछ करा दीजिए। मैं हैदराबाद विकास गवर्नमेंट से बात गिविंग इन सिक्योरिटी 3-4 days बैक आई हैव गिवन यू इंटरव्यू इन व्हिच आई हैव मेंशनड एवरीथिंग दैट वी आर हैविंग गुड एंड पीस एटमॉस्फेयर हियर, but suddenly without any reason and we were not having any weapon, they got sharp weapons and deadly arms, big stones, now broken this door and then they poured some frozen and burnt down a bed and they entered in my house and they have seriously injured my son-in-law and now he is very serious in hospital. Recently 1.5 years back he was married and he is having nearly yes, baby also, 8 months baby. I cannot say, I am not having any male child. So he was much son-in-law, was much son. I think I have lost everything. And these beggars have done so much. Whenever they ask any subscription, I have given them donation at the time of Ganesh also. I want to see some 2-3 persons who are attached here. Those are Suri Pahlwan, Ramesh, and this beggar, Yadaya and Ishwaraya. These beggars were always begging before me for money. And according to my economical position, whatever it was possible, I have given them. I have helped them several times. Possible, I have...
Conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the State of Andhra Pradesh, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or interest. Yanti Ramara vanu nenu, Shasanamu dvara sthapitamaina Bharata samvidhanamu patla, satyamaina shraddha nishthalu kaligi undunaniyu, Bharata desha samagratanu, sarvabhoumadhikaramunu kapadutunaniyu. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యములను శ్రద్ధాపూర్వకముగాను హృదయపూర్వకముగాను నిర్వహిస్తుననియు మరి పక్షపాతములు గాని రాగద్వేషములు గాని లేకుండా సంవిధానమును శాసనమును అనుసరించి సర్వవిధ జనులకు న్యాయము చేయుదుననియు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణము చేయుచున్నాను. नरेंद्र भास्कर राव सरकार अपना बहुमत सिद्ध ना कर सकी तो राज्यपाल को फिर से रामा राव को वापस बुलाना पड़ा। 22 जुलाई 1984 से 22 सितंबर के इस दौर में पूरा शहर सांप्रदायिक दंगों की जकड़ में था। कई बार कर्फ्यू लगाया गया, 41 लोगों की जाने गईं और 23 लोग घायल हुए। लगभग 250 दुकानें और मकान जला दिए गए। अजीब बात है कि हर सांप्रदायिक दंगे के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग गिरफ्तार होते हैं, ज्यादा से ज्यादा पुलिस स्टेशन लंबी अवधियों के लिए कर्फ्यू के दायरे में आ जाते हैं, मगर फिर भी असली मुजरिम और गुनहगार साफ बच निकलते हैं। कर्फ्यू के कारण काम पर ना जा सकने की वजह से हजारों व्यक्ति जहां दाने दाने को मोहताज हो गए, वहीं रोजाना कमाई के पैसों के अभाव ने आने वाले कई दिनों के लिए उन्हें अपंग बना दिया।
जब कभी भी चुनाव या त्योहारों की सरगर्मियां जोश पकड़ती हैं, दंगे फसाद, खून खराबा, लूटमार और कर्फ्यू का खौफनाक साया पुराने शहर में बसने वालों के दिलों पे दहशत बनकर छाने लगता है। मुजीद खान साहब सदर इब्तदाई मजलिस कारवान सालार मिल्लत की दिलकोशी करेंगे। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन 1957 में दोबारा अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, यानी 1947 में जबकि हिंदुस्तान की तकसीम हुई, और फिर 1948 में जब हैदराबाद में हमारी हयात सियासी ने जब तड़प कर दम तोड़ दिया तो उस वक्त हम पर क्या गुजरी, तो उस वक्त हमारे ऊपर एक मसायब और मुश्किलात का रेला आ रहा था और कोई नहीं था जो हमारी रहबरी के लिए आगे बढ़ता कि हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, हमारे मकानात जमीन के बराबर हो चुके थे, हमारे शीरखार बच्चे अपनी माओं की गोदों से अलहदा कर दिए गए थे और खजबात और देहात से लुटे हुए कारवां हैदराबाद की तरफ आ रहे थे, और यहां का यह आलम था कि ऐवान हुकूमत खुद चुके थे, तख्त शाही लुट गए थे, मनासिब जागीरें पायगाहें सब खत्म कर दी गईं, सरकारी मुलाजमतों के अंदर जो कुछ भी हमारा हिस्सा था वो एक कलम की जुम्बिश से हम तख्वीफ के जद में आ चुके, और ये भयानक तबाही थी और हमारे लिए सिवाय रक्षा चलाने के कोई चाराकार नहीं था, और बहुत से शरफा ऐसे भी थे जो न तो सड़क पे भीख मांग सकते थे न वो रक्षा चला सकते थे, और वो अपनी गुर्बत अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए रातों को मुंह पर ढांटे बांध कर रक्षाएं चलाते थे। यह तबाही और बर्बादी का आलम, और ऐसे में इंतखाबात हुए तो हमने कभी कम्युनिस्टों का साथ दिया, उसके बाद हमने सोशलिस्टों का दिया, कांग्रेस का दिया, ये समझ कर दिया कि ये तबाही जो हम पर आ रही है यहां हमारे जख्मों के लिए कुछ मरहम मिलेगा, लेकिन जख्मों पर मरहम मिलने के बजाय हमारे जख्मों पर और नमक छिड़का गया। सारे हिंदुस्तान के अंदर हम ये समझने लगे कि अब हमारे लिए यहां कोई जगह नहीं रही, जिस मुल्क के ऊपर हमने हजार बरस तक जहांबानी और हुक्मरानी की हम ये समझ रहे लगे कि आज हम अजनबी हो चुके हैं, आज हमारा सब कुछ यहां पर खत्म हो चुका है और हम मायूस और दिल शिकस्ता हो गए। लेकिन 1957 में दोबारा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, और जिस वक्त आगाज किया तो उसने एक ही बात कही कि अगर हम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमको एक मरकज सियासी की तरफ आना पड़ेगा। उस वक्त लोगों ने इतराज किया कि आज मसला हमारी बेरोजगारी का है, हमारे जान माल के तहफ्फुज का है, आज मसला हमारे मजहब के तहफ्फुज का है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने समझाया, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने उर्दू के जूनियर कॉलेजेस को कायम करवाया, आपके लिए उर्दू अकेडमी को कायम करवाया, और उर्दू अकेडमी का ऐलान उस वक्त के चीफ मिनिस्टर वेंगल राव साहब ने दारुस्सलाम से किया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने आपके लिए माइनॉरिटी कमीशन कायम करवाया ताकि जो हमारे साथ नाइंसाफी और जो तासुब बरता जाता है उसको दरियाफ्त किया जाए, तहकीक की जाए कि कहां कहां नाइंसाफी किस तरीके से हो रही है। तो आज यही चीज है कि आज आपको पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और मुत्तहिद रहने की जरूरत है। बहुत सी ताकतें हैं जो सिर्फ ये चाहती हैं कि आप में इंतशार को पैदा कर दिया जाए, क्योंकि कोई कौम बगैर अपना मरकज सियासी की जिंदा नहीं रह सकती, हर कौम के लिए एक मरकज सियासी की जरूरत होती है। తన ప్రభుత్వం వచ్చింది, 11వ తారీఖున అసెంబ్లీ కలవబోతున్నది, 9వ తారీఖున నిమజ్జన కార్యక్రమం వినాయకుడిది తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు. ఆ వినాయకుడి నిమజ్జన కార్యక్రమంలో ఉనికి సర్కార్ ఆ గయి థీ. 11 సితంబర్ కు విధానసభ కి బైఠక్ హోనే వాలి థీ. 9 సితంబర్ కు లోగ్ గణేష్ జులూస్ లే జా రహే థే. కమ్ మే లాఖో లోగ్ భాగ్ లే రహే థే. వహీ కిసీ తరహ సే కాంగ్రెస్ మజ్లిస్ ఔర్ వో వర్గ్ जो भास्कर राव से मिला हुआ था, वो तीनों पार्टियों ने मिलकर उस स्कीम बनाई
सब अपना अपना मतलब पूरा करना चाहते थे। नए शहर में उन्होंने आंदोलन शुरू किया। क्या उन्होंने सारे हैदराबाद को जला के बस नहीं किया? उस अग्नि की राख अभी भी हमारे आंखों के सामने है। उस नवकारी की जिम्मेदारी जुलूस में भाग लेने वालों की नहीं। हो सकता है ये सब कुछ देख के कुछ लोग जोश में आ गए हों, लेकिन शुरुआत किसने की? भास्कर राव तो केवल एक पात्र निभा रहे थे, और सूत्रधार कौन था? क्या वो सूत्रधार कांग्रेस नहीं? ये पद्धति लगानी मरंगन का वोट चिल्लटलेते किसी भी हालत में अगर हमारे वोट बट गए तो हम ओवैसी को सीधा पार्लियामेंट भेज रहे होंगे। अगर गलती से भी हम कांग्रेस को वोट देते हैं तो वो वोट मजलिस का होगा। इस परिस्थिति में हमें बहुत होशियार रहना है, और आज के समय को देखते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमारा वोट साइकिल के निशान पर ही जाए। अगर आपस में हमारे कोई भेदभाव हो तो उसे एक तरफ रख के जनता पार्टी, बीजेपी, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी या कोई और भी हो, हम सबको एक ही कर्तव्य निभाना है, एक ही उम्मीदवार को हमें आगे बढ़ाना है। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाश पड़ी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में गा सकते हो? तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हैं तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? दूसरे यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव, ना संविधान। इनके नाम पर कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की सात परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की बच्चे, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी भी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का पहरेदार, कभी मत करो माफ।